परेशान प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। मृतक के परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। कैंडल मार्च में करिश्मा ठाकुर रही मौजूद, बेटियों की फीस देनी थी इसलिए परेशान थी, पत्नी ने कहा है। और इसके साथ ही कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, दबंगों से परेशान प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च में करिश्मा ठाकुर भी मौजूद रहे, बेटियों की फीस देनी थी इसलिए परेशान थे, पत्नी ने कहा है मृतक की। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, दबंगों से परेशान प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला सामने आया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जिस तरह से प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर की मौत के बाद कैंडल मार्च निकाला गया है। कैंडल मार्च में करिश्मा ठाकुर मौजूद है। और सैलराज संवाददाता हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सैलराज, क्या कुछ अपडेट मिल रही है आपके पास? देखिए, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है और ना ही कोई प्रशासन की तरफ से, और शासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि वो जो किराए के मकान पे जो प्रॉपर्टी डीलर की मौत हुई, जिसने आत्मदाह किया, जिसके बाद उनकी बच्चियों ने और उनकी पत्नी ने करिश्मा ठाकुर के साथ मिलकर के कैंडल मार्च निकाला, अभी इस बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वो पूरा घर, पूरा परिवार बहुत परेशान है, आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है। और इस बात को लेकर के प्रॉपर्टी डीलर जिस बात को लेकर के अभी बच्चियों की फीस को लेकर के परेशान थे, जिसके बाद दबंगों द्वारा उनका जमीन हड़पी गई, जिसकी वजह से उन्होंने, लेकिन ना ही वहां से कोई आदेश जारी हुआ है इस बात को लेकर के कि उनको क्या मदद प्रशासन और शासन द्वारा की जा रही है। सैलराज, पूरी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, बेटियों की फीस देनी थी इसलिए परेशान थे, मृतक की पत्नी ने कहा है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कैंडल मार्च निकाला गया है, कैंडल मार्च में करिश्मा ठाकुर भी मौजूद रहे। और इसी बीच